उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए मेकअप लुक लेके आई हूँ, जिन्हें बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, ABCD भी नहीं जानते हैं मेकअप के बारे में, तो उन लोगों के लिए आज मैं मेकअप वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही शॉर्ट मेकअप लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा मेकअप लेके आई हूँ कि आपको खुद से यकीन नहीं होगा कि आप इतना अच्छा मेकअप खुद से कर सकते हैं, वो भी आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है तब भी, आपको लिपस्टिक भी ढंग से नहीं आती है लगानी तब भी जो है आप इस मेकअप को क्रिएट कर सकते हैं। ये मेकअप आप देखना, और वाटरप्रूफ मेकअप बताऊंगी मैं आपको, बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे पास इतने मेकअप नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं, तो डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज का जो मेकअप लुक लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा मेकअप लुक लेके आई हूँ, बहुत ही कम प्रोडक्ट से मेकअप लेके आई हूँ। आपको कोई ब्रांडेड मेकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगी कि आम भाषा में कहे तो आप कैसे जुगाड़ करके इतना अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं अपने आप से और अपने घर पर बहुत ही आसानी से। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है तो चेकआउट कर लेना। तो गाइस चलिए फिर चलते हैं मेकअप की तरफ। सबसे पहले हम अपने फेस को तैयार करेंगे मेकअप के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, तो ये करना है, ये स्टेप आपको ज़रूर करना है जिनके पास मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है या फिर बिल्कुल मेकअप नहीं है, प्रोडक्ट नहीं रखना पसंद करते हैं। तो एक आइस क्यूब लेनी है आपको और एक कपड़े की हेल्प से जो है आपको मसाज करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आपको 1 से 2 मिनट के करीब मसाज कर लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी ओपन पोर्स वगैरह होते हैं सब जो है मिनिमाइज हो जाते हैं, जैसे कि हमारा फेस काला नहीं पड़ता है, यानी कि हमारा मेकअप जो है काला नहीं पड़ता है। तो आपको ये स्टेप ज़रूर करना है। और यहाँ पर मैंने लिया है एलोवेरा जेल, तो यहाँ पर आप, आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर जो भी यूज करते हैं तो ज़रूर लगाएं, नहीं करते हैं तो फ्रूट क्रीम वगैरह जो आती है वो भी आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल लिया था, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, तो मैंने अप्लाई कर लिया था एज ए प्राइमर, यूज करेंगे एलोवेरा जेल। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है फाउंडेशन लिया था और ये लैक्मे की सीसी क्रीम थी। दो ऑप्शन दिए हैं आपके पास, फाउंडेशन जो भी फाउंडेशन पड़ा हुआ हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने लोटस का फाउंडेशन लिया था और सबसे बड़ी खास बात मुझे इसमें ये लगी है कि इसमें जो है सनस्क्रीन मिली हुई थी, तो इसलिए मुझे ये फाउंडेशन अच्छा लगा। और इसका जो कवरेज इतनी हाई नहीं थी बट ठीक थी, इसको हम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं एज अ क्रीम, ऐसे एवरीडे मतलब यूज कर सकते हैं इस फाउंडेशन को। तो अच्छे से ये ब्लेंड भी हो रहा था जब मैंने ब्लेंड किया था, एक तरफ जो है मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी और एक तरफ जो है मैं इसको हैंड से ब्लेंड करके दिखाऊंगी आपको। तो ये आसानी से ब्लेंडिंग जो है इसकी अच्छी थी, मतलब अच्छे से हो रहा था ब्लेंड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो है ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत मतलब कम ही, आई थिंक 300 के आसपास था ये। तो आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी इस फाउंडेशन को, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारी कंसीलर की, तो हमारे पास कंसीलर तो है नहीं, आपके पास है तो आपको क्या करना है, वो जो भी आपके पास फाउंडेशन है आपको थोड़ा सा और लेना है और वो हाइलाइटर एरिया पर लगाना है आपको, जैसे कि आइज़ के नीचे, नोज पर, फोरहेड पर, चिन पर, ऐसा मतलब लगाना है आपको और ब्लेंड करना है हाथों की हेल्प से। तो ये देखिए, थोड़ी स्पीड में है वीडियो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए आपको पता ही होगा। और यहाँ पर अब बारी आती है हमारी जो है फाउंडेशन को सेट करने की, यानी कॉम्पैक्ट की। तो आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट है आप वो जो है यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये लैक्मे का है, मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भी सनस्क्रीन ऐड है, यानी कि इसमें ये मेकअप आप बाहर भी कर सकते हो बिना सनस्क्रीन के। तो मुझे बाहर जाना था और मुझे काफ़ी टाइम लो जो है इस मेकअप को रखना था, तो इसलिए मैंने ये चीज़ यूज़ की है। आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, आपके पास टेल्कम पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पॉन्स वाला जो होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट टोन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कॉम्पैक्ट है तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 10 रुपीज़ वाली ये आईब्रो पेंसिल थी, तो मैंने ये ले लिया, इससे मैं जो है अपनी आईब्रो को सेप दूंगी, यानी कि आईब्रो फिल कर लूँगी। तो ये देखिए आसानी से हो गई थी और बहुत अच्छी थी,
ये नहीं की, और ये ओनली 10 रुपीज़ में आती है। और अब बारी आती है हमारे ब्लेसोन की, तो हमारे पास ब्लेसोन है ही नहीं, और ब्लेसोन वगैरह जो है लगाना चाहिए, उससे क्या होता है हमारे फेस अच्छा दिखता है, ग्लो दिखता है हमारे फेस पर, और आइस मेकअप भी। तो आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट है तो उसमें जो है कलर तो होते ही हैं 2-3, जो भी आपके पास हैं तो आप ज़रूर लगाएं। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी, तो मैंने ये ग्रीन कलर लगा लिया था, इसमें पहले ग्रीन कलर लगाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर इसके ऊपर लगा लिया था, तो इससे जो है मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कोई जो है डबल ट्रिपल कोड नहीं किया है आईज मेकअप का, आप देख सकते हो। तो आपके पास कोई आई शेडो है तो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, तो नहीं है तो आपके पास कोई बात नहीं, आपके पास लिपस्टिक होगी तो आप थोड़ी सी लिपस्टिक को लो और अपनी आई शेडो पर, यानी कि आईज पर लगा लो एज अ आई शेडो। तो यहाँ पर बारी आती है आपकी जो है लाइनर की, तो आपके पास लाइनर है तो लगाएं, नहीं है तो आपके पास काजल तो आई थिंक सबके ही पास होती है, तो आप काजल को लो और जैसे कि मैं लगा रही हूँ तो वैसे ही लगा लो। तो ये मेरे पास लोकली काजल पड़ी हुई थी, आई थिंक ADS की काजल थी, तो इससे मैंने जो है लाइनर लगा लिया है, और थोड़ा सा मैंने अंदर भी काजल लगा ली थी, तो उससे क्या होता है हमारी आँखें बड़ी दिखती हैं, तो इसलिए आप लगाना चाहें तो लगाएं और नहीं लगाना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो है लगा लिया था, ऐसे ही मैं दूसरी आईज पर भी लगा लूँगी। ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है लग रहा था, थोड़ा सा मैंने हल्के से बिंग निकाले थे, ये मैंने जो 10 रुपीज़ वाली पेंसिल थी उससे मैंने हल्का सा विंग निकाला है, आपको विंग पसंद है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अब बारी आती है हमारी ब्लेसोन की, तो हमारे पास ब्लेसोन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई आई शेडो होगी तो उसमें से जो भी पीच कलर हो, पिंक कलर हो, जो भी आई शेडो में होता ही है आई थिंक सब में, तो आप थोड़ा सा लगाएं ब्रश पे या फिर हाथ पर, और थोड़ा सा अपने गालों पर लगाएं, तो उससे क्या होगा हमारा मेकअप जो है बहुत अच्छा दिखेगा, और आपको कोई जो है एक्स्ट्रा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई ब्लेसन मतलब महंगा वाला ब्लेसन लगाया है अपने गालों पर। तो ये देखिए मैंने जो है कोई ब्लेसन नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास जो आई शेडो पड़ी हुई थी उसमें से मैंने कॉपर सा और पिंक कलर को मिक्स कर लगाया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा डार्क पिंक कलर था, हल्का सा मैंने 2 से 3 शेड मिक्स कर जो है इसको लगा लिया था, तो मेरा जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था फेस, आप देख सकते हो। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और अब बारी आती है हमारी लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक से पहले जो है आप लिप पेंसिल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि लिपस्टिक सब किसी से नहीं लग पाती है, और लग पाती है कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे होठों का शेप जो होता है थोड़ा अलग होता है, तो उससे पहले जो आप लिप पेंसिल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि हमारी लिपस्टिक लगाने में आसानी हो। तो ये देखिए मैंने जो है लिपस्टिक लगाने से पहले जो है लिप लाइनर यानी कि आउटलाइन क्रिएट कर ली थी, तो ये देखिए उससे क्या होता है हमारे एक हल्का सा बेस भी बन जाता है ताकि हमारी लिपस्टिक टिकी रहे, तो ऐसा ज़रूर करें। और अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो यहाँ पर मैंने ये स्विच वेटी की लिपस्टिक ली थी, और इसका सेट था आई थिंक मर्जेंटा कलर था, 16 सेट था इसका, तो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे लिपस्टिक, ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी इस लिपस्टिक को। तो आपके पास जो भी लिपस्टिक है आप वो यूज कर सकते हैं, और आपके पास लिपस्टिक नहीं है तो मैंने लिपस्टिक कैसे बनाते हैं घर पर 2 चीज़ों से और 3 मतलब 2-3 जो है मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, तो चेकआउट ज़रूर करना कैसे लिपस्टिक बनाते हैं घर पर बहुत ही आसान तरीके से, तो आप जो है देख लेना, और मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी लिपस्टिक कैसे बनाते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए मेरी लिपस्टिक लग गई है, अब जो है थोड़ी सी मैं ज्वेलरी वगैरह पहनूंगी। ज्वेलरी पहनने से पहले जो है मुझे इसे फिक्स करना था, क्योंकि मुझे कहीं जाना था और ये काफ़ी टाइम तक टिकाना था मेकअप, तो मैंने हल्का सा जो है फिक्सर लगाया है, आपके पास हो तो लगाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं रहने दे, स्किप करें। तो मैंने लगा लिया था, मेरे पास पड़ा था, तो अब बारी आती है ज्वेलरी की, तो मैं थोड़ी सी ये मेरे पास पड़ी हुई थी ज्वेलरी ये, तो मैं ये पहन लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, आप बताना कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको। तो ये मैंने ज्वेलरी पहनी थी, ये नेकलेस जो है अलग था, ये इयररिंग्स थोड़े अलग थे, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा मैच करके पहन लिया था, तो बताना कैसा लगा मेरा मेकअप। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।